Yeah, good evening everyone. This is the continuation video of Human Eye and the Colorful World, and we are going to discuss about defects of vision. But mainly two defects we have to study, three you can say, that is myopia, hypermetropia and presbyopia. But two more additional effects I would like to discuss from my side. One is astigmatism and another is cataract. कैटरेक्ट को मोतियाबिंद कहते हैं, ये ब्लैक और व्हाइट कैटरेक्ट होता है अगर आपने सुना हो तो. तो जो तीन हमारी बुक में दिए हुए हैं उसके अलावा दो और मैं डिफेक्ट डिस्कस करना चाहूंगा. तो आई वांट यू टू पे योर अटेंशन हियर. अब आप सभी को पता है कि जो नॉर्मल रेंज है, और पेज नंबर 273 लखमीर सिंह पे देख सकते हैं अगर आप, और अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी में भी डिफेक्ट्स ऑफ विजन से देख सकते हैं. मैंने पहले ही बताया, पेज नंबर देख लो बेटा, उसी में मैंने पहले ही आपको बताया, आंखें जो है कुदरत का सबसे अनमोल तोहफा है जो हमें मिला है. एक हल्का सा डस्ट पार्टिकल भी जो है वो इरिटेशन स्टार्ट कर देता है हमारी आईज में. लेकिन सब इतने लकी नहीं होती है कि सभी का प्रॉपर जो विजन है वो 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी हो. आजकल तो मैंने छोटे बच्चों में इवन स्पेक्स उन्हें लगे हुए देखे हैं कई बार, ठीक है ना. अक्सर अक्सर फोन और ये सब बातें चलती रहती है, पर यहाँ पर ये फैक्टर नहीं आएंगे. इधर जो जो मतलब रीजंस हैं वो कुछ और ही हैं, तो ये ध्यान रखना. तो मेनली तीन डिफेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया. मायोपिया का दूसरा नाम है शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस. इसका मैंने हिंट जो बनाया था एमएस धोनी से बनाया था, एमएस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, यानी मायोपिया यानी शॉर्ट साइटेडनेस. मैं बोलूं आई हैव अ शॉर्ट साइटेड आई और आई हैव अ नियर साइटेड आई, इसका मतलब है मुझे पास का तो अच्छे से नजर आता है पर दूर का ढंग से नजर नहीं आता, ब्लर्ड विजन है. वैसे मेरा भी अब मायोपिया का नंबर तो आया ही हुआ है, ठीक है ना. जैसे मुझे भी दूर का ब्लर्ड नजर आता है, पढ़ा नहीं जाता मेरे से, राइट. तो जितनी जल्दी हो स्पेक्स मैं भी बनवाऊंगा, और अगर आप में से भी कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहा हो तो जरूर बनाओ. क्योंकि मैंने उस दिन भी बताया था क्या होगा कि अभी मान लो आपसे 50 सेंटीमीटर तक आप देख पा रहे हो, चीजें पढ़ पा रहे हो, अगर आप स्पेक्स नहीं बनवाओगे मायोपिया से रिलेटेड, मतलब अभी 2 मीटर तक सपोज देख पा रहे हो, तो वो जो आपका फार पॉइंट है वो डिक्रीज होता जाएगा. जबकि फार पॉइंट क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए, पर वो इन्फिनिटी से डिक्रीज होता जाता है, राइट. ऐसे हाइपरमेट्रोपिया में 25 सेंटीमीटर से अवे जाता रहता है, कुछ ऐसा होता है. तो मायोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन, मायोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच अ पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. मायोपिया एक ऐसी डिसीज है, एक ऐसी बीमारी है जिसमें कोई भी पर्सन दूर की चीजों को अच्छे से नहीं देख पाता है पर वो पास की चीजों को ढंग से देख पाता है, ये ध्यान रखना. तो मायोपिया का दूसरा नाम मैंने पहले ही बताया. इसका क्वेश्चन बेटा ऐसे आता है लवण्या कि अ स्टूडेंट इज सिटिंग एट द लास्ट डेस्क एंड ही इज अनेबल टू रीड व्हाट इज रिटन ऑन द बोर्ड, व्हिच डिजीज ही इज सफरिंग फ्रॉम, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ दिस डिजीज एंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन द करेक्शन ऑफ दिस डिजीज. तो आपको तीनों ही डायग्राम बनाने हैं जो अभी मैंने आपसे बनवाए हैं. अब डिसीजेस में ये मत लिखाना कि मोबाइल फोन ज्यादा या ये सब मत लिख कर आना, सुन रहे हो. आप देखो मायोपिया की डिसीज के कॉज सुन लो किस वजह से होती है, क्योंकि मैंने बताया ना कईयों को जन्म से ही होती है डिसीज मायोपिया, दूर का देखने में दिक्कत है. जब बच्चा अपनी सेंसेस 5 साल तक गेन करता है तो पता लग जाता है इतना पेरेंट्स को, ठीक है ना. तो पहला रीजन अंडरलाइन कर लो, ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस. देखो कन्वर्जिंग पावर अगर हाई होगी तो फोकल लेंथ शॉर्ट होगी, और फोकल लेंथ शॉर्ट होगी तो मैंने बताया ना कि वो बंदा उसका जो इन्फिनिटी होना चाहिए फार पॉइंट वो डिक्रीज होता जाता है, इन्फिनिटी से पास आता जाता है, ये ध्यान रखना. और दूसरा रीजन सुन लो, ड्यू टू आई बॉल बींग टू लॉन्ग, कि उसकी जो आई बॉल है, सार्थक ध्यान दे बेटा, रीजन याद नहीं होते हैं, रीजन लर्न करने पड़ते हैं अच्छे से. पहले सुन लो, पहला रीजन है ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर, और बस इतना याद रखो, और पावर और फोकल लेंथ क्या है, आपस में कनन इनवर्स प्रोपोर्शन में है. तो पावर अगर आई लेंस की हाई है तो फोकल लेंथ कम होगी, और आपका जो फार पॉइंट है अगर ये डिसीज है तो फार पॉइंट इंफिनिटी से डिक्रीज कर जाएगा, कई बार ये 2 मीटर 3 मीटर इतना आ जाता है, ठीक है. और दूसरा है आई बॉल बींग टू लॉन्ग, आई बॉल जो है वो नॉर्मल की बजाय ज्यादा होती है. और अगर आपको सेम चीज डायग्राम से एक्सप्लेन करनी हो तो यहाँ पीछे मेरे बोर्ड पर भी कुछ डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ, मायोपिया के ही हमने बनाए हुए हैं जो आप बोर्ड पर देख सकते हैं, पर बोर्ड पर आपको यहाँ से
विजिबल नहीं होंगे तो मैं यहीं पर ही दिखा देता हूं। पेज नंबर 274 पे आप देख सकते हैं। अब डायग्राम की बना बना के बेटा प्रैक्टिस करनी है, ऐसे डायग्राम नहीं आ जाएंगे। और हर डायग्राम में सिर्फ लाइनें नहीं है, ये कोई ड्राइंग नहीं है। जैसे पहला वाला देखो, पेज नंबर 274 पे ये जो तीनों फिगर है ये मायोपिया से एसोसिएटेड है। अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो थोड़ा डिफरेंस होगा, या लखनऊ से ही बनाए हैं तो आप यहाँ से देख सकते हो। पहला वाला जो फिगर है उसमें आप ध्यान से देख सकते हो, दूर का ऑब्जेक्ट है तो पैरेलल रेज आ रही है। बेटा तरनदीप, यही सेम फिगर है लखमीर में, यहाँ देखिए पैरेलल रेज है, इंफिनिटी से आ रही है, ठीक है ना, इंफिनिटी से रेज आ रही है, दूर से आ रही है। तो देखो कन्वेक्स लेंस से पास करने के बाद इंटरसेक्ट कहाँ होनी चाहिए थी, इंटरसेक्ट बोलो रेटिना पे होनी चाहिए थी, पर रेटिना से पहले इंटरसेक्ट हो जाएंगी। तो ये होगा मायोपिया में, याद रखना कि उस बंदे को ब्लर्ड विजन की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इंफिनिटी से जो रेज आ रही हैं, ध्यान दो, इंफिनिटी से जो रेज आ रही हैं वो रेटिना से पहले इंटरसेक्ट हो जाएंगी। और लेकिन उसकी पास की नजर, सेकेंड वाले फिगर को देखो, उसकी पास की नजर बिल्कुल बढ़िया। आप किसी नियर बाय ऑब्जेक्ट पे फोकस करो, जैसे कैपिटल एफ है, प्लीज यहाँ ध्यान दीजिए, नियर बाय ऑब्जेक्ट पे फोकस करो, कैपिटल एफ कोई पॉइंट है, वहां से जो रेज आ रही हैं और कन्वेक्स लेंस के थ्रू पास करने के बाद कहाँ इंटरसेक्ट हो रही हैं, रेटिना पे हो रही है। तो भैया जिसको मायोपिया है उसकी दूर की नजर कमजोर होगी, पास की उसकी बिल्कुल बढ़िया होगी। तो ये ध्यान रखना, ठीक है क्लास। तो पास की नजर बिल्कुल बढ़िया होगी उस बंदे की। तो अब ये बताओ कि अगर उसे ये करेक्ट करानी है डिसीज, अब जितने मायोपिया वाले हैं बच्चे उनकी फोकल लेंथ नेगेटिव है, या पार भी नेगेटिव में होगी क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव है, ऐसा क्यों बोलो लवण्या? अरे क्योंकि कंकेव लेंस यूज हो रहा है करेक्शन में बेटा, और कंकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ऐसा ही है गर्व, ठीक है। जैसे उस दिन मैंने पार, आपने मुझे बताई थी, हमने फोकल लेंथ निकाली थी, मान लो किसी बच्चे की पार है -2 डायोप्टर, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 1/P हो जाएगी, यानी कि 1/-2 यानी कि -0.5 मीटर, मतलब उस बच्चे को 50 सेंटीमीटर तक तो सही नजर आ रहा है। 50 सेंटीमीटर एक बड़ा वाला जो स्केल होता है वो 30 सेंटीमीटर का होता है, तो अंदाजे से उस बच्चे को 50 सेंटीमीटर तो सही नजर आ रहा है, पर उसके बियॉन्ड उसे ब्लर नजर आएगा, ठीक है ना। तो अगर किसी भी बच्चे को यहाँ अगर मायोपिया की डिसीज है, तो जो उसने स्पेक्स पहने हैं उसमें कौन से लेंस लगे हुए हैं, कंकेव लेंस ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ, बोलना मत भूलना। ऐसे नहीं है कि सबको मायोपिया है और सबको एक ही चश्मा चले जा रहा है, अरे कंकेव लेंस ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ। आई रिपीट, इफ आई एम सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, माई ऑप्टिशियन विल सजेस्ट मी कंकेव लेंस ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ, वरना तो ऐसे तो अरे सबको एक तो छोड़ो, सबका नंबर अलग अलग होगा क्योंकि सबकी पार अलग अलग है, सिंपल सी बात है, समझ रहे हो। जैसे मुझे है ना, थोड़े टाइम पहले एक प्रॉब्लम हुई, तो वो प्रॉब्लम किसी और वजह से थी, लेकिन मुझे लगा कि मेरी आईज के साथ दिक्कत है, मैंने आईज वाइज टेस्ट कराई, सब कराई, ये 5-6 साल पहले की बात है, पर वो प्रॉब्लम कुछ और थी, उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा ब्लड विजन हो रहा था, राइट। तो मैंने स्पेक्स बनवा लिए, अब मैंने कहा भाई साहब, फिर वो प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई, इसका अलग इलाज चला, ठीक है ना। फिर मैं उसके पास, मैं कहा भैया ये मेरे लिए तो बेकार है, आप तो मैं क्या पहनूं, मेरा तो नंबर है ही नहीं है। कह रहा है आप तो बन गए, क्योंकि उसने तो लेंस बना दिए थे, तो वट एवर वॉज द चार्जेस ही डिडक्टेड, कि भाई ये तो हमारे लिए भी बेकार है, क्योंकि सेम जो आपकी पार के वो लगे हैं वो वाले जरूरी थोड़े ना किसी दूसरे बंदे की भी उतनी पार होगी कि नहीं, ठीक है, हो सकता है, पर वो बहुत रेयर है, क्योंकि तुमने खुद अब पार वाला फॉर्मूला सीख लिया भाई, किसी की फोकल लेंथ -40 है, किसी की -50 है, वो किसी और प्रॉब्लम थी, आपने बात मेरी ध्यान से सुनी नहीं, ठीक है। लेकिन अब जैसे मेरा नंबर आया, अब मैं चेक कराने जाऊंगा, तो मुझे, मैंने बताया ना जैसे 3 मीटर पे 2 मीटर पे नहीं दिख रहा ढंग से क्या लिखा है, तो वो फोकल लेंथ पहले मेरी कैलकुलेट करेगा और उसके हिसाब से पार वाला फॉर्मूला लगाएगा और वो उस पार के मुझे लेंस सजेस्ट कर देगा, पर करेगा कनकेवी क्यों, क्योंकि मेरी मायोपी का ही है, पास का तो मुझे बढ़िया नजर आता है, समझ रहे हो, कनकेव लेंस ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ मुझे सजेस्ट करेगा, राइट, ठीक है। इतना तो ऑप्टिशियन भी पढ़ा लिखा होता कि आप इतना ये चैप्टर अच्छे से सीख लो भैया, कि कम से कम उससे बात कर सको। सर,
इसके नियम फार साइटेडनेस की बात करेंगे, न्यूमेरिकल हम बाद में करेंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे न्यूमेरिकल्स के लिए। इसके बाद बात करेंगे बेटा हाइपरमेट्रोपिया यानी कि लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस की। ध्यान दीजिए, हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम है लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस। अब अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया मतलब उसकी पास की नजर कमजोर है और उसको दूर का बिल्कुल बढ़िया नजर आता है, ऐसा होता है, पर यंग एज में नहीं होता, ये 40 प्लस के बाद होता है। जैसे मेरी ऑलमोस्ट अब एज 40 होने वाली है। हाँ, हो तो बिल्कुल पहले भी सकता है कि कई बच्चों को किताब पढ़ने में दिक्कत आती है, राइट? हाँ, उन्हें ब्लर नजर आता है बुक पढ़ने में, तो उसको हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम है। और अगर पास और दूर दोनों की नजर कमजोर है तो प्रेस बायोपिया की प्रॉब्लम है। ध्यान रखना, प्रेस बायोपिया में पास और दूर दोनों की नजर कमजोर होती है साइमल्टेनियसली। मायोपिया में सिर्फ दूर की नजर कमजोर होती है और हाइपरमेट्रोपिया में पास की नजर कमजोर होती है, ठीक है? तो हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम है बेटा लॉन्ग साइटेडनेस है। ध्यान दीजिए, हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस एक ऐसा डिफेक्ट है विजन का जिसकी वजह से अ पर्सन इज अनेबल टू रीड, मतलब फर्स्ट डेस्क पे बैठे और तो भी बोर्ड नहीं नजर आ रहा, तो इसका मतलब भैया तुम्हारा नंबर आया हुआ है, हाइपरमेट्रोपिया तुम्हें, ठीक है? ये ध्यान रखना, जो नियर, क्योंकि उसका जो नियर पॉइंट है बेटा वो 25 सेंटीमीटर से अवे चला गया है, बात समझ रहे हो? क्योंकि उसका नियर, और मायोपिया में क्या था, जो फार पॉइंट है वो इंफिनिटी से डिक्रीज हो गया, और हाइपरमेट्रोपिया में क्या है, नियर पॉइंट जो है वो 25 सेंटीमीटर से फर्दर अवे चला गया, ऐसे याद रखना। तो ध्यान रखिएगा, हाइपरमेट्रोपिया यानी लॉन्ग साइटेडनेस में एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें पर्सन जो है नियर बाय ऑब्जेक्ट्स अच्छे से नहीं देख पाता है, और जो नियर पॉइंट है हाइपरमेट्रोपिक आई का वो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता है। अब देखो, अब वो देखो अवे हो जाता है, मतलब वो ऐसे किताब अपने पास यूं पकड़ेगा तो भी नहीं दिखेगा भाई, उसे बड़ी दिक्कत आएगी पढ़ने में, राइट? ऐसे ऐसे भी पढ़ के नहीं आएगा, वो नंबर तो उसके अकॉर्डिंगली लगेगा। और लेकिन अभी मैं उसके बारे में भी बात करता हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, सबसे पहले हम इसके कॉज के बारे में बात करेंगे। पेज नंबर 276 लखमीर सिंह में देखिए, अंडरलाइन कीजिए। अब हाइपरमेट्रोपिया किस वजह से होता है, ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस की वजह से। मायोपिया याद रखो और हाइपरमेट्रोपिया उसका कन्वर्सिंग कन्वर्स होगा। मायोपिया में याद था क्या था कॉज, पहला हाई कन्वर्जिंग पावर थी, तो ये लो कन्वर्जिंग पावर है। सिर्फ एक याद करो, दूसरा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। इस बच्चे को हाइपरमेट्रोपिया, तभी ये देख बुक ऐसे पढ़ रहा है, समझे? वो पेज नंबर 276 पे आप देख सकते हैं। और मायोपिया में आईबॉल जो थी वो ज्यादा लॉन्ग थी, इसमें ज्यादा शॉर्ट होगी, समझ आई बात? तो ये सब मत लिख कर आना, ओके? अब हम बात करेंगे कि कैसे डायग्राम से हम समझेंगे कि हाइपरमेट्रोपिया क्या प्रॉब्लम है और उसको करेक्ट कैसा किया जाए। अगर आप पहले वाले फिगर को ध्यान से देखें तो पहले वाले फिगर में देखो बेटा, नियर बाय ऑब्जेक्ट वो पड़ा है, 25 सेंटीमीटर पे पड़ा है, नियर बाय ऑब्जेक्ट वो पड़ा हुआ है 25 सेंटीमीटर पे, सुहानी पास में पड़ा हुआ है, और रेज आ रही है उससे, डाइवर्ज रेज आ रही है वो पॉइंट से। ध्यान से देखो, वो कन्वेक्स लेंस के थ्रू पास कर रही है, इमेज कहां पर इंटरसेक्ट होनी चाहिए थी, कनन ये दोनों रेज। हाइपरमेट्रोपिया का फर्स्ट फिगर देखिए लखमीर में जो गिवन है बेटा, ये रेटिना पर इंटरसेक्ट होनी चाहिए थी, पर रेटिना पर इंटरसेक्ट होने की बजाय ये बिहाइंड द रेटिना हो रही है, बात समझ आ रही है कि नहीं? लेकिन देखो, अब देखो फार से भी रेज आ रही है पर वो भी डाइवर्ज आ रही है, ये इसमें बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, कहीं पैरेलल मत बना देना। फार से देखो रेज आ रही है, वो भी डाइवर्ज आ रही है, दूर से आ रही है पर वो रेटिना पे इंटरसेक्ट हो रही है, मतलब इसकी दूर की नजर तो बिल्कुल बढ़िया है पर इसकी पास की नजर कमजोर है, क्योंकि जब इसके आई लेंस यानी कन्वेक्स लेंस से रेस पास कर रही है तो वो बिहाइंड द रेटिना इंटरसेक्ट हो रही है। दूसरी बात, अगर ये कन्वेक्स लेंस लगाएगा ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ तो इमेज कहां पर इसकी बनेगी, रेटिना पर बनेगी प्रॉपर, राइट? तो सभी को क्लियर है, मायोपिया में कौन सा लेंस लगाना है करेक्शन के लिए, कॉनकेव, और हाइपरमेट्रोपिया में ऑलरेडी नेचुरली भी कॉन्वेक्स ही है और इसमें कन्वेक्स लेंस लगाना है ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ, ये नहीं कोई भी कन्वेक्स लेंस लिख दो, ये ध्यान रखना।
दो डिसीजेज हैं क्लास, एक और है यहाँ आपकी बुक में, ये गिवन है प्रेस बायोपिया थर्ड वाली पेज नंबर 278 पे देखिए, लकमीर में देखिए, पेज नंबर 278 देखिए प्लीज। प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया बेटा ऐसी डिसीज है, प्रेस बायोपिया ऐसी डिसीज है इसमें पास और दूर दोनों की नजर कमजोर होती है, ये ध्यान रखना। ये पुरानी टेक्नोलॉजी के स्पेक्स हैं, एक मिनट स्पेक्स देना, स्पेक्स देना। हाँ इसमें देखो, इसमें देखो ऐसे कट है नीचे, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी में ये कट नजर नहीं आता, ठीक है ना। अब मैं तुम्हें इसका बिल्कुल बढ़िया से करके बताता हूँ कि क्या होता था। आई हैव सीन फ्यू ऑफ माई प्रिंसिपल, जब उन्हें किताब पढ़नी होती थी ना, वो ऐसे नोज पे रखते थे स्पेक्स, और वो इस तरीके से पढ़ते थे, ठीक है। और जब दूर का देखना होता है तो प्रॉपर ऐसे सीधे पहनते थे। क्या तुमने कभी गौर किया है ऐसे? देखना ध्यान से, अगर किसी 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 को प्रेस बायोपिया की प्रॉब्लम है, क्योंकि नीचे कौन सा लेंस लगा हुआ है, कन्वेक्स लगा है, क्योंकि नीचे उस बच्चे को रीडिंग करनी है, तभी रीडिंग करनी है तो कन्वेक्स लेंस लगा है, और मैंने बताया ना सीधा स्पेक्स पहनेगा तो ऊपर कंकेव लेंस लगा हुआ है। आई हैव सीन फ्यू ऑफ माई प्रिंसिपल वेयरिंग, हाँ लेंस अलग चीज है, लेंस हमारे सिलेबस में वो नहीं है जो आप बात कर, पर बेटा वो लेंस भी तो कन्वेक्स और कंकेव ही होंगे ना, समझे नहीं आप, ठीक है ना, होंगे तो। ये तो प्रेस बायोपिया कैसे करेक्ट कर सकते हैं, इसमें भी स्पेक्टिकल्स के थ्रू कर सकते हैं, मैंने बताया नीचे पुरानी टेक्नोलॉजी में नीचे कन्वेक्स और ऊपर कंकेव है। सुहानी ध्यान दीजिए प्लीज, फालतू की बातें बंद करिए यहां पर, और यहां ध्यान दीजिए, अदरवाइज आई विल थ्रो यू आउट ऑफ माई क्लास। कन्वेक्स लेंस लगेगा यहां पर नीचे, ध्यान रखना, और कंकेव लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बेटा इसमें ऐसे, और आप बाईफोकल लेंस पूछ रहे थे ना, बाईफोकल का मतलब यही है, डबल फोकल लेंथ वाले, बाईफोकल, बाई मतलब टू, ठीक है ना। तो याद रखना प्रेस बायोपिया डिफेक्ट जो है वो करेक्ट किया जाता है जैसे हाइपरमेट्रोपिया किया जाता है, और इसमें दो तरीके के लेंस यूज होते हैं, नीचे कन्वेक्स और ऊपर कंकेव यूज होते हैं। नहीं पुरानी टेक्नोलॉजी में तो इसमें कट आता था, पर आजकल मैंने सुना है ये कट नहीं आता, ठीक है ना, डायरेक्ट आ जाते हैं, राइट। इसके बाद बात करते हैं कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद। ये दो टाइप का होता है, एक होता है ब्लैक कैटरेक्ट और एक होता है व्हाइट कैटरेक्ट। अब कैटरेक्ट में क्या होता है, ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है बेटा, इसमें जो होता है आई लेंस बिकम्स वेरी क्लाउडी और हेजी। होता क्या है, एक है ना स्किन की मेम्ब्रेन होती है, वो आई लेंस के आगे आ जाती है, ठीक है ना, जिसकी वजह से स्किन, आई रिपीट, स्किन की एक मेम्ब्रेन होती है जो आई लेंस के आगे आ जाती है, जिसकी वजह से जो आई लेंस है वो क्लाउडी हो जाता है और वो ब्लर्ड विजन में होता है। पर कैटरेक्ट अभी तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, पर अभी मेरे एक फ्रेंड के कैटरेक्ट की सर्जरी हुई है, ही है जस्ट टच 40, पर यहाँ किताबों में यही लिखा है कि कैटरेक्ट जो है 60 के बाद ही होता है। और कई केसेस में मैंने देखा है जिनको कोविड हुआ है ना, उनको कैटरेक्ट भी बड़ा हो रहा है, जिन जिन बच्चों को या जिन लोगों को कोविड हुआ है उनका एक ये भी कोविड के आफ्टर सिम्टम में आ रहा है कैटरेक्ट, ठीक है। तो और कैटरेक्ट का सर्जरी ही इलाज है, और कोई इलाज नहीं है, कहीं तुम सोचो चश्मा लगा लो ये लगा लो, ऐसा कोई इलाज नहीं है, क्योंकि वो जो थिन लेयर है स्किन मेम्ब्रेन की, वो डॉक्टर सर्जरी से रिमूव कर देता है और ये हो जाता है, ठीक है। तुमने कई बार मूवीज में देखा होगा, हाँ सर्जरी के बाद सही हो जाती है, अरे वो ग्रीन कलर का कारपेट उस आई में है ना, लाइट नहीं आनी होती, तभी वो जिनकी कैटरेक्ट की सर्जरी होती है 15-20 दिन एक महीना वो गॉगल्स ब्लैक पहन के रखते हैं। मूवीज में कई बार देखते हो कि मूवीज में वो ऐसे, मुझे याद है मतलब मेरी ग्रैंड मॉम की बहुत पहले हुई थी, तो वो ग्रीन कलर का एक है ना पर्दा सा ऐसे लगा के रखते थे, ठीक है ना। एक वो भी बात करता हूँ, अब दूसरी बात सुनो, एक ये प्यूपिल वाला, आप जैसे वो जैक स्पैरो की मूवीज आती थी अभी, ये जो पायरेट्स एंड ऑल दैट, जो जॉनी डेप, हाँ हाँ ठीक है ना, उसमें तुम देखते हो कि जो जितने वो समुद्री लुटेरे थे वो एक आंख में वो पहन के रखते थे, कभी कभी नहीं, मुझे भी पहले लगता था, पर उस दिन मैंने सर्च किया तो उसका वो रीजन है, वो अपनी प्यूपिल को ना
विजन रात के समय बढ़ाते थे ताकि उनकी आंख एक आंख के साथ, वो अंधे नहीं होते या काणे नहीं होते थे राइट, वो नहीं नहीं मैं ताकि वो रात को उनको प्रॉपर दिख सके, क्योंकि समझे नहीं, अगर मेरी एक आंख के आगे कारपेट रहेगा तो वो आंख की प्यूपिल अंधेरे के प्रति ज्यादा एक्टिव हो जाएगी, जैसे कि आउल की हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से वो पायरेट ये पहनते थे ताकि रात के समय जब वो लूटने वूटने जाए शिप विप को तो उनका विजन नॉर्मल लोगों की बजाय ज्यादा बढ़िया। हाँ कई बार सुना है मैंने, ठीक है। तो कैटरेक्ट में ध्यान रखना, कैटरेक्ट की सर्जरी होती है। एक और डिसीज है बेटा, उसके बारे में यहाँ बुक में लिखा नहीं हुआ पर उससे क्वेश्चन आ जाता है कई बार, इसलिए उसके बारे में मैं जरूर बात करना चाहता हूँ। उस डिसीज का नाम है एस्टिगमेटिज्म, ASTIGMATISM, एस्टिगमेटिज्म, राइट। अब ये मुझे याद है, एक बच्चा आता था मेरे पास बहुत पहले, सिद्धार्थ नाम था उस बच्चे का, आई रिमेम्बर। या तुमने कई बार मूवीज में देखा होगा कि किसी के यार स्पेक्स गिर जाते हैं ना, तो वो बड़ा स्पेक्स ढूंढता रहता है, उसके बगैर उसे कुछ नजर नहीं आता, ऐसा कई बार आपने मूवीज में जरूर देखा होगा। तो उस व्यक्ति को ये एस्टिगमेटिज्म प्रॉब्लम होती है। अब ये जो एस्टिगमेटिज्म, ये जो प्रॉब्लम है, वो बेचारे हैं ना बगैर स्पेक्स के एक ब्लाइंड मैन की तरह ही होते हैं। तो रियलिटी में जब तक तुम उनके स्पेक्स उन्हें दोगे नहीं, वो पहनेंगे नहीं, वो कोई देख ही नहीं पाते। अब होता क्या है कि जैसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस है, आप सभी को पता है राइट। तो वो जो पर्सन होता है उसकी आई जो है वो इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उसे सब कुछ बगैर स्पेक्स के ब्लर्ड ही नजर आता है। और उसके जो स्पेक्स होते हैं बेटा, वो कैसे मतलब बनाए जाते हैं, बाय सुपर इम्पोजिंग वन लेंस ओवर अनदर। सुपर इम्पोज समझ रहे हो ना, एक लेंस के ऊपर एक चीज, एक के ऊपर एक चढ़ाना। जैसे हमने उस दिन टेस्ट ट्यूब के ऊपर बैलून लगाया था, अगर आपको ध्यान हो, तो वी सुपर इम्पोज अ बैलून ओवर अ टेस्ट ट्यूब। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो उसके जो स्पेक्टिकल्स हैं ऐसे बनाए जाते हैं। तो क्लास एक बार मैं फिर से बता दूं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। मायोपिया में दूर की नजर कमजोर है, कौन से लेंस होंगे यूज करेक्शन में, कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ यूज होंगे। और हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ यूज होंगे, और प्रेसबायोपिया में कन्वेक्स, दोनों यूज होते हैं, कन्वेक्स नीचे होते हैं स्पेक्स में और कनकेव ऊपर होते हैं। मैंने बताया जब उसे कुछ पढ़ना है तो नोज पे रखेगा स्पेक्स वो व्यक्ति, और जब दूर का देखना है तो सीधे पहनेगा स्पेक्स, ठीक है। और इसके बाद बात करेंगे कैटरेक्ट। कैटरेक्ट में स्किन की मेम्ब्रेन आ जाती है आई लेंस के आगे, कन्वेक्स लेंस के आगे, जो नेचुरली प्रेजेंट है, मास की एक झिल्ली आ जाती है, हिंदी में से ये कहते हैं। तो कैटरेक्ट का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ यही इलाज है कि उसकी सर्जरी करानी पड़ेगी, स्पेक्स वगैरह से कैटरेक्ट सही नहीं होता राइट। पहले तो ये बीमारी कैटरेक्ट वाली 60 के बाद होती थी, आजकल 40 में ही ऐसे केसेस आने लग गए हैं, ठीक है। और इसके अलावा एस्टिगमेटिज्म, ये भी कईयों को शुरू से ही होती है, जन्म से ही होती है, उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में बंदा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। नहीं ठीक इसमें होती है, पर इसका बड़ा मोटा लेंस होता है, जैसे इसका भी काफी थिक है लेंस सार्थक का, पर इससे भी थिक होता है लेंस उसका, मैंने देखा था, ठीक है ना, और काफी ठीक होता है। और मैंने सबसे बड़ा बताया ना, उस बेचारे के स्पेक्स, गलती से मजाक, वो ऐसे बंदे के साथ मत कर देना, उसके स्पेक्स लेके भाग जाओ अंधेरे में या ऐसे, वो बेचारा ढूंढता ही रहेगा, वो बड़ा दिक्कत। वैसे मैं बता रहा हूँ एस्टिगमेटिज्म में बिल्कुल नहीं दिक्कत। तो क्लास थैंक यू एवरीवन, दिस वाज द सेकंड वीडियो।